वैसे तो आम लोगों के लिए मंदी का मतलब है कि बिजनेस मंदे पड़ जाते हैं। छोटे से लेकर बड़े तक अधिकतर बिजनेसों में मंदी आ जाती है। लोगों का वेतन वक्त पर नहीं मिल पाता कहीं कहीं, और तो और बाजार में महंगाई भी बढ़ जाती है और हर सेक्टर में मंदी आ जाती है, जिस वजह से सेल कम होती है, और सेल कम होती है तो सरकार के पास कारोबारियों से टैक्स कलेक्शन भी कम होता है। लेकिन बीजेपी के एक MP हैं वीरेंद्र सिंह, इनके लिए मंदी का मतलब कुछ और है। ये एक सभा में बोल रहे थे जहाँ पर ये CAA के समर्थन में भाषण दे रहे थे। वहां पर जब मंदी की बात आई तो इन्होंने एक ऐसी बात कह दी जो सुनकर हर कोई भौचक्का रह गया कि मंत्री जी ये कौन सा साइंस लाए हो निकाल के। दरअसल में सांसद महोदया बोल बैठे कि काहे की मंदी, अभी तो लोग कोट और जैकेट में घूम रहे हैं। मतलब सांसद महोदया मंदी नहीं मानेंगे जब तक आप कोट और जैकेट में घूमते रहेंगे। आपने इन सांसद महोदया को वोट दी हो या ना दी हो, लेकिन जरा इस बात के बारे में सोचिएगा जरूर। एक सांसद है, उसको लगता है कि जब तक लोग कोट और जैकेट पहनकर घूम रहे हैं तब तक मंदी नहीं आ सकती। यानी कि जिस दिन सब लोग बोरी बोरी की जैकेट सिलवा कर घूमेंगे उसी दिन सांसद महोदय मंदी मानेंगे, लेकिन इनकी जैकेट फिर भी नहीं उतरेगी, क्योंकि एक सांसद के लिए कभी मंदी नहीं आती। चाहे कितनी भी मंदी आ जाए देश में, सबसे पहले जो वेतन रिलीज होता है वो सांसदों का ही होता है। एक बार को ये सेना के वेतन में को रोक देंगे कुछ दिन के लिए, सरकारी कर्मचारियों के वेतन को कुछ दिन के लिए रोका जा सकता है, लेकिन सांसदों का वेतन वक्त से पहले छूट जाता है, बल्कि एडवांस में ही दे दिया जाता है। और यह हकीकत है हमारे देश की कि कुछ सांसद ऐसे भी उस संसद भवन में बैठे हैं जिनको बेसिक चीज़ें नहीं पता। एक सांसद है, उनको यही नहीं पता कि वाकई में मंदी होती क्या है। उनको ऐसा लगता है कि अगर लोग जैकेट और कोट पहन के घूमते हैं तो वो मंदी नहीं है, अगर बोरी पहन के आ जाएंगे तो वो मंदी हो जाएगी। और इन सांसद महोदयों ने तमाचा मार दिया उन लोगों के कालों पर जो इनकी रैली में भी बैठे होंगे जैकेट पहन के। खैर, सवाल ये उठता है कि जो लोग ऐसे रैलियों में जाते हैं, अधिकतर लोग वो होते हैं जिनके पास ज़्यादा काम नहीं होता, तो उनको यहाँ जाकर पैसे भी मिल जाते हैं, तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है मंत्री जी चाहे उन्हें गाली भी देते। लेकिन वाकई में ये सोचने वाली बात है, एक सांसद इस तरह से कैसे बोल सकता है कि अभी तो लोग कोट और जैकेट पहन रहे हैं, मंदी कहाँ से आ गई। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।